हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं हूं राजदीप रघुवंशी। आज नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में भारत के भूगोल के अंतर्गत प्रायद्वीप भारत का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि प्रायद्वीप भारत से आने वाले सभी प्रश्नों को, उनकी स्थितियों को और उनमें मिलने वाले आपके पठार, पर्वत और सभी संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो में प्रायद्वीप भारत का अध्ययन करते हैं। चलिए, देखिए, आप सभी को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हिमालय से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा हुई थी और अब जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रायद्वीप। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि प्रायद्वीप कैसे है, भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप कहलाता है। कैसे? कि प्रायद्वीप की परिभाषा यदि हम देखें, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा, ठीक है, जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो और एक ओर से क्या हो, उसका स्थलीय भाग हो, वो प्रायद्वीप कहलाता है। यदि मैं बात करूं भारत की संरचना, भारत के मैप के अनुसार में हम बात करते हैं तो भारत को हम कितने भागों में देखते हैं, तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में देखते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम उत्तर का मैदानी क्षेत्र के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आपको यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रायद्वीप भारत के बारे में, तो ये वाला जो भाग है हम कहते हैं कि ये अरब सागर है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर नीचे मैंने बताया था हिंद महासागर है, ठीक है बेटा, यहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ओके। तो देखिए, इस भारत के दक्षिण में मैंने एक बार बताया, एक ओर से जल, दूसरे ओर से जल, तीसरी ओर से भी जल, इसके पश्चिम, पूर्व और दक्षिण से में तीनों ओर से जली है और एक भाग क्या है, ये स्थल है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रायद्वीप क्या होते हैं, जो तीनों ओर से जल से घिरे। मैंने लास्ट कक्षा में आपको उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया था। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में हमने जैसे कि देखा था ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। उसके बाद में मैंने आपको उत्तर का मैदानी क्षेत्र बताया था, जिनमें हमने सिंधु का मैदानी क्षेत्र, गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी क्षेत्र देखा था। कहने का अर्थ ये है कि मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है, किया गया है, जैसे हमारी सिंधु नदी के द्वारा किया गया। गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र सबसे बड़ा है, जो मैंने आपको इसी मैप पर आपको बताया था कि गंगा नदी और भारत का उत्तरी मैदान जो लगभग धनुषाकार आकृति का है और 7 लाख वर्ग किलोमीटर, मैंने बताया था बेटा कितना, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो मैंने ये भी बताया था कि उत्तर का मैदान पश्चिम दिशा में अधिक चौड़ा है और पूर्व दिशा में कम चौड़ा है, मैंने ये बताया था, आप संरचना के आधार पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके मैंने चार भाग बताए थे, उन चार भाग में मैंने पहले भावर प्रदेश बताया था, फिर मैंने बताया था तराई, फिर उसके बाद में मैंने क्या बताया था, तराई के बाद में मैंने बताया था बांगर, जो क्या थी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी थी, और खादर के बारे में बताया था जो नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है बेटा। तो यहां से प्रश्न आने हैं, लास्ट कक्षा में इस पर हमने चर्चा की थी। अब हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो टॉपिक है प्रायद्वीप पठार। इस प्रायद्वीप पठार से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीप पठार भारत का सबसे बड़ा भूभाग है, सबसे बड़ा भाग है, जो संपूर्ण भारत में का जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है बेटा, कितने, 16 लाख वर्ग किलोमीटर ठीक, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। आप समझ सकते हो बेटा कि भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस भारत के क्षेत्र का लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रायद्वीप पठार, ठीक है। चूंकि यह पठारी भाग है तो यह जो प्रायद्वीप पठार है ये किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग। क्योंकि मैंने आपको पहली प्रीवियस कक्षाओं में ये इसके बारे में बताया था कि गोंडवाना लैंड क्या है, अंगारा लैंड क्या है। गोंडवाना लैंड वह भूभाग है जो पृथ्वी के निर्माण के समय पेंजिया नामक एक स्थलीय भाग से टूटकर अलग हुआ,
ठीक है। इस पर मैंने आपको बताया है कि पेंजिया नामक एक स्थान था, एक स्थली भाग था पृथ्वी का एक भाग, जो टूटकर कालांतर में क्या हुआ, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड, नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड था। इसके चार महाद्वीपों में से एक भाग कटकर आपका छोटा सा प्रायद्वीप के रूप में यहाँ पर बना और इसे हम दक्कन प्रायद्वीप। यदि मैं बात करूं प्रायद्वीप पठार का, अगर नाम कोई कहते हैं अपन, तो इसे दक्कन प्रायद्वीप, ठीक है। यह प्रायद्वीप त्रिभुजाकार आकृति में है, कैसा है बेटा, त्रिभुजाकार। इसकी संरचनाओं को हम देख रहे हैं तो इसकी आकृति यदि हम देखें तो यह त्रिभुजाकार आकृति में आप देख सकते हो, ठीक है, ये त्रिभुजाकार आकृति। इसमें विभिन्न संरचना के आधार पर यदि देखें हम तो ये सबसे भारत का सबसे बड़ा भूभाग है और इसमें अनेक संरचनाएं हैं, अनेक पर्वत हैं, अनेक पठार हैं। इस प्रायद्वीपीय पठार में ही है, इसमें आर्कियन क्रम की चट्टानों से लेकर कार्बोनिफेरस के युग की चट्टानें तक पाई जाती हैं। इसमें आग्नेय, बेसाल्ट, ठीक है, ग्रेनाइट, अवसादी सभी प्रकार की चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टान अब रूपांतरित रूप ले लिए, आग्नेय चट्टान ने अब रूपांतरित रूप लेकर निस सिल्ट ऐसी डाइक ऐसी कई रूप में भी परिवर्तित हो चुकी है। मैं आपको ये बता दूं कि आग्नेय चट्टान मूल चट्टान इस प्रायद्वीप पठार में पाई जाती है। कार्बोनिफेरस युग भी यहां पर आया, कार्बन अर्थात यहां पर इसी प्रायद्वीप पठार से ही हमें कोयला प्राप्त हो रहा है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हमें कोयला प्राप्त हो रहा है, ठीक है, याद रखना है। हमें आर्कियन क्रम की चट्टानें भी आपको प्रायद्वीप भारत में ही मिलेगी, गोंडवाना आर्कियन क्रम, साथ में धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, विंद क्रम, ठीक है, दक्कन क्रम जिसे हम कहते हैं दक्कन ट्रेप की चट्टानें। देखिए बेटा यदि मैं आपको बताऊं कि क्या भारत की चट्टानों के बारे में देखिए तो प्रायद्वीप भारत हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसको देखो। इन चट्टानों में यदि हम देखें सबसे पहले कहते हैं कि चट्टानों का एक क्रम होता है, ठीक है, चट्टानों का एक क्रम होता है समय की, कौन सी चट्टान किस समय बनी है। तो विश्व में सबसे हम कहते हैं कि सबसे पहले कोई चट्टान बनी है वो आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये प्राथमिक चट्टानें थी, अर्थात इस समय आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टानें प्राप्त हुई, हम कहते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो है वो है अरावली, अरावली पर्वतमाला आर्कियन क्रम की चट्टानों से मिलकर बनी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अरावली चट्टानें जो है आर्कियन क्रम की है, तो पहला हमारे पास कोई क्रम आ रहा है तो पहला क्रम क्या है, आर्कियन क्रम। दूसरा कोई क्रम है तो वह है बेटा धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ क्रम कैसे उसको देखिए। आपको बताऊं कि यहां पर कर्नाटक नाम का एक राज्य है, उस कर्नाटक राज्य के धारवाड़ नाम के जिले पर कुछ चट्टाने प्राप्त हुई, वे चट्टाने इस आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद की थी, पहले आर्कियन क्रम की चट्टाने आए, इस आर्कियन क्रम की चट्टानों में अपरदन हुआ, अक्षेपण हुआ, उसका परिवर्तन हुआ, स्वरूप में परिवर्तन हुआ ताप दाब के कारण, और कौन सी चट्टान बन गई, धारवाड़। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि आर्कियन हो या धारवाड़ हो, कोई भी चट्टान हो, चट्टान यदि मूल है तो वह खनिज युक्त होगी, अर्थात वह लावा से बनी होगी, तो उसमें क्या है प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाए, ठीक है। हम कहते हैं ना कि अरावली पर्वत के आसपास से हमें क्या क्या मिलता है, तो चांदी मिलता है, तांबा मिलता है, हम कहते हैं तो यहाँ पर खनिज पदार्थ मिल रहे हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टाने में हमें से प्राप्त होता है लोहा, ठीक है, जैसे कि कुद्रेमुखी खान जो है कर्नाटक में, बेटा ये सारे जो मैं एक एक शब्द कह रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने से प्राप्त होते हैं। कोलार हट्टी नाम का नाम सुना होगा बेटा, एक खान है कोलार और हट्टी की कर्नाटक में, यहाँ से सोना प्राप्त किया जाता है, ठीक है, यहाँ से सोना प्राप्त किया जाता है, ओके। चलिए तो धारवाड़ आर्कियन क्रम धारवाड़ क्या है कि कर्नाटक के धारवाड़ नाम के जिले में एक चट्टान, उस चट्टान का समय आर्कियन क्रम की चट्टान के बाद का, ठीक है, तो उसको धारवाड़ क्रम की चट्टाने कह दिया। और धारवाड़ क्रम की चट्टाने शिमोगा, बेल्लारी, धारवाड़, ठीक है ना, चिकमंगलूर, ऐसे कई जिलों में आपको मिली, इसलिए ये क्षेत्र आपका धारवाड़।
फिर उसके बाद में एक और आई तीसरे नंबर की कुडप्पा, कुडप्पा क्रम की संतान सॉरी कुडप्पा बेटा कटप्पा नहीं कुडप्पा, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, ये भी आंध्र प्रदेश के कुडप्पा नामक गांव में एक प्रकार की अलग संरचनाओं में एक चट्टान मिली जो आंध्र प्रदेश की, जो आपके धारवाड़ क्रम के बाद की थी। ठीक है, इस क्रम की चट्टानों से भी हमें हीरा प्राप्त होने लगे। ठीक है, कोहिनूर का हीरा हमें प्राप्त हुआ, आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान से कोहिनूर का हीरा निकाला गया। प्रश्न याद रखना, मैं आपको सारे प्रश्न बता रहा हूँ जो एमपी पुलिस एमपी एसआई कांस्टेबल जिसको कह रहे हैं या फिर एमपी पीएससी प्री सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल आप विश्वास के साथ इसके आपको देखिए और पढ़िए, इससे एग्जाम में प्रश्न आएंगे तय है। ठीक है, तो क्या है कुडप्पा क्रम की चट्टाने, उसके बाद में आया बेटा फोर्थ नंबर पर विंध्यन क्रम की चट्टाने। विंध्यन क्रम की चट्टाने जो हमारा विंध्य पर्वत है या विंध्य श्रेणी है उसके क्रम की चट्टाने मिली, जो हमारे मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टाने पाई जा रही है, इसमें से भी हीरा वाला क्षेत्र निकाला जा रहा है। हीरा आप सभी को जानते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर धारवाड़ क्रम की है। क्या बेटा? धारवाड़ क्रम की। यहाँ पर आर्कियन क्रम की है। कौन सी है? आर्कियन क्रम। ओके, समझ पा रहे हैं? इस वाले भाग आंध्र प्रदेश में आपका कुडप्पा क्रम की है। यहाँ पर आपको विंध्य की मिलती है, लेकिन आप यहाँ पर बना लीजिए विंध्यन क्रम की, विंध्यन क्रम। हाँ, विंध्यन क्रम की, जो आप समझ रहे ना विंध्याचल पर्वत के पास में, पर्वत के पास में आपको आपके इमारती पत्थर प्राप्त हो रहे हैं, लाल बलुआ पत्थर प्राप्त हो रहे हैं विंध्याचल श्रेणी में, यानी बुंदेलखंड में। समझ पा रहे हैं? बुंदेलखंड बघेलखंड वाले क्षेत्र में हमें ये श्रेणी मिल रही है। वैसे मध्य प्रदेश में भी धारवाड़ भी मिलती है, गोंडवाना भी मिलती है, टर्सरी युग भी मिलता है। टर्सरी युग नहीं मिलता क्योंकि टर्सरी युग हमारा हिमालय का युग, हिमालय पर्वत। ठीक है, मियोसीन काल, प्लायोसीन काल, ईओसीन काल, बहुत सारे हैं बेटा। आपको बहुत अंदर तक के जाना है, तह तक के जाना है, तब आपको उस प्रश्न बनेंगे। ओके, तो आपको समझना है। तो धारवाड़ कुडप्पा आर्कियन क्रम की चट्टाने, विंध्य क्रम की चट्टाने। ओके, अब आपको दक्कन ट्रेप नाम भी सुनेगा बेटा, तो यहां पर इसके बाद हम पढ़ लेते हैं गोंडवाना क्रम, गोंडवाना। इससे पहले हम दक्कन ट्रेप भी लिख सकते हैं, अब लिख लीजिए दक्कन ट्रैप। ठीक है, यानी कि दक्कन ट्रैप की चट्टाने वे चट्टाने हैं जो ज्वालामुखी लावा से मिलकर बनी है, मैंने आपको बताया था। और वो दक्कन क्षेत्र मतलब महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, कर्नाटक आपका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात वाले एक भाग, सेंट्रल भाग, इससे हमें दक्कन ट्रैप की चट्टाने मिलती है, अर्थात यहाँ काली मिट्टी मिलती है। और मैंने बताया था कि दक्कन ट्रैप की चट्टाने मतलब आग्नेय चट्टान जो ज्वालामुखी दरार के माध्यम से क्या हुआ है, ऊपर निकला है, जो ज्वालामुखी दरार के माध्यम से ऊपर निकला है, सतह तक आया है, तो उस ज्वालामुखी के ठंडे होने से, उस ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टान बनी, आग्नेय चट्टान के बड़े छोटे रवेदार भाग बने जिससे हमें बेसाल्ट बनी और आगे जाकर काली मिट्टी का निर्माण हुआ। बेटा एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना ही है। ओके, आपको ध्यान रखना है कि दक्कन ट्रेप की चट्टाने, गोंडवाना क्रम की चट्टाने, अर्थात वे चट्टाने जब इन चट्टानों के अपरदन निक्षेपण से कार्बन, यहाँ पर बेटा गोंडवाना क्रम की चट्टानों के निर्माण के समय कार्बन आ गया, कार्बन मतलब अर्थात जीव, जीवाश, पेड़ पौधे। ठीक है, आर्कियन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में किसी भी प्रकार से कुडप्पा क्रम की चट्टानों में या विंध्य क्रम की चट्टानों में आपको जीवाश्म नहीं मिलता बेटा, जीवाश्म अर्थात अवशेष नहीं मिलते, बहुत ध्यान से समझना ये बात। ठीक है, लेकिन जीवाश्म हमें कब से मिलना शुरू हो जाते हैं, जीवाश्म हमने मिलना शुरू हो जाते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टान से, गोंडवाना क्रम की चट्टान अर्थात अवसादी चट्टान, और इस क्रम से हमें कोयला की प्राप्ति होती है। आप दिमाग में बिठा लेना कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों के ही नीचे आपको में से ही अवसादी चट्टानों से ही हमें कोयला प्राप्त होता है। आप लोग जानते होंगे तीन विशेष नदियों के नाम सुने होंगे बेटा, भारत की तीन विशेष नदी, मैं नाम बता रहा हूं ध्यान रखना। ठीक है, याद रखोगे, इस गोंडवाना क्रम की चट्टान भारत की तीन नदी क्षेत्रों में मिलती है, तीन नदियों में बेटा। क्या? तीन नदियों में, समझना। एक है दामोदर बेटा, ये दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार में बहती है, मैंने आपको बताया था।
ठीक है, उसी से निकली है, उसी में बहती है और पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली में मिल जाती है। ठीक है, इस पर मैंने आपको एक बार चर्चा की थी, क्या कि आपकी कहां गई दामोदर नदी, ये दामोदर नदी दामोदर घाटी परियोजना आपको याद रखना, दामोदर नदी यानी कि छोटा नागपुर के पठार से कोयला का उत्पादन, झारखंड से कोयला का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। धनबाद है, हजारीबाग है, सिंहभूम है, ठीक है याद रखना बेटा, यहां से प्रश्न आते हैं। ठीक, उसके बाद में दामोदर, दामोदर के बाद में क्या है कि एक और नदी जो इम्पोर्टेंट है जिसमें हम पूछते हैं तलचर, तलचर नाम सुना है बेटा, तलचर कोयला क्षेत्र, कोरबा, कोरबा नाम सुना है, कोरबा आपका बिलासपुर, ये नाम सुने होंगे ना, छत्तीसगढ़ के जिले के नाम ले रहा हूं मैं, है ना। तो बेटा दामोदर मतलब मैंने छत्तीसगढ़ बोला, उड़ीसा बोला, महानदी, ये महानदी कोयला क्षेत्र, आप लोग कई बार एग्जाम देते हैं एमसीएल का, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड देते हैं, है ना, वहां की का। तो बेटा ये वही है महानदी कोयला क्षेत्र, ठीक है, उड़ीसा। महानदी का उद्गम कहां से होता है बेटा, आपकी नहीं उद्गम होता कहां से है, आपका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के सिहावा के पठार से, मतलब रायपुर से आपकी महानदी का उद्गम होता है, लेकिन ये बहती कहां है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इतना आपको ध्यान रखना बनेगा। और फिर इंपॉर्टेंट है ना बेटा, क्या गोदावरी, गोदावरी विशेषकर भारत में यदि कहीं देखा जाए तो कोयला जो मिलता है वो आपकी दामोदर महानदी और गोदावरी, लेकिन देखिए बेटा ये महानदी कोलफील्ड लिमिटेड अर्थात महानदी क्षेत्र अगर हम देखें तो ये बुंदेलखंड में, देखें बुंदेलखंड में हमारे मध्य प्रदेश का शहडोल भी आ जाएगा, उमरिया भी आ जाएगा, ठीक है, सीधी सिंगरौली, इसको हम इसमें ले लेते हैं महानदी वाले बेल्ट में ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम छोटे छोटे में देखते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में हम कोयला क्षेत्र अगर देखते हैं तो ये चट्टानों की बात कर रहे हैं, जिन चट्टानों से हमें कोयला प्राप्त कर रहे हैं, अवसादी की बात कर रहे हैं, अवसादी चट्टानों में गोंडवाना क्रम पर कोयला प्राप्त हो रहा है, यानी कि गोंडवाना क्रम की अवसादी चट्टानों से हमें कोयला प्राप्त हो रहा है, समझ पा रहे हो आप। यहीं पर हम तवा नदी क्षेत्र भी देखते हैं, है ना, आपका सतपुड़ा वाला क्षेत्र भी देखते हैं, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है बेटा। कोयला में हम आगे बढ़ते हैं तो हम चट्टान पे हैं, तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने, दक्कन ट्रेप की चट्टाने, ओके, उसके बाद में एक टर्सरी युग की चट्टाने होती हैं। अभी उस युग में क्या हुआ था कि हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा, यहाँ पर हिमालय पर्वत की बात कर रहे बेटा, जो कि हम जानते हैं कि ट्रांस ब्रास और ट्रांस जास्कर लद्दाख जिसको हम कह रहे हैं ट्रांस हिमालय, इस ट्रांस हिमालय में हमने दो तीन चीजें की थी, क्या काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन श्रेणियों का हम संबंध सीधे ट्रांस हिमालय से कहा। फिर उसके बाद में हमने बड़ी बड़ी दस लगभग दस बड़ी बड़ी चोटियों को देखा था, जिनसे एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि सर ये किन, ये चोटी जो बड़ी है वो किन में है, तो ये बड़ी चोटी जिनको मैंने आपको बताया था लगभग, क्या बताया था, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, अन्नपूर्णा, धौलाधार, मकालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बारबा, तो बेटा ये सभी की सभी चोटियां जो हैं विश्व की ऊंची ऊंची चोटियां, ये आपका ग्रेट हिमालय या कहूं बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय में, महान हिमालय में स्थित, ठीक है ना। उसके बाद लघु हिमालय आता है, उसके बाद में शिवालिक श्रेणी आते हैं, ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। गोंडवाना क्रम, टर्सरी युग, अब एक क्वार्टनरी युग की भी चट्टाने बनी है, अर्थात इस समय नदियों के द्वारा आप छिपन अपरदन से कुछ चट्टानों का निर्माण हुआ है, मैदानी क्षेत्रों में चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो ये तो बेटा मैंने अभी आपको इस वीडियो में, इस क्लास में आपको अभी क्या बताया, अभी मैंने केवल क्या कर दिया, प्रायद्वीप भारत की प्रमुख चट्टानों को भी बता दिया, अर्थात भारत में मिलने वाली चट्टानों के क्रम को देख लिया, इससे हमें अनुमान लगाने में आसानी होगी कि किस क्षेत्र में क्या प्राप्त हो रहा है, कौन सा खनिज प्राप्त हो रहा है। अगर हम देखें तो मूल रूप से चट्टान के बारे में देखो बेटा, चट्टान की संख्या यदि देखते हैं तो चट्टान जो होती है मूल रूप से तीन होती है, आप सभी जानते हैं, आपको पता है कि एक चट्टान आपकी होती है आग्नेय, ये चट्टान जो होती है ये आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान वे चट्टान होती है जो प्राथमिक है, जिनका निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है, जिनको ठंडे होने से बनी है,
आग्नेय चट्टान भी दो प्रकार बेटा बहुत होती है, पाताली भी होती है, आपकी बहरी आपकी बाहरी आग्नेय चट्टान भी होती है जिसमें पाताली, जैसे कि इसको हम देखें तो एक होती है ग्रेनाइट, एक होती है बेसाल्ट। इसके अपरदन अवक्षेपण से चट्टान बनती है जिसको हम कहते हैं अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान में कोयला मिलता है, यानी कि कोयला या फिर कार्बनिक पदार्थ मिलता है, कोयला पेट्रोलियम गैसेस, ठीक है, ये यहां से मिलती हैं। अगली जो है रूपांतरित चट्टान है, हाँ एक मिनट आ रहे है ना, तो क्या हो रहे हैं आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और अगली तीसरे नंबर की रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। ठीक है, ओके, तो आपको मैंने इस वीडियो में प्रायद्वीप भारत यानी कि इस पूरे संपूर्ण भारत में मिलने वाली चट्टानों के बारे में बताया। अर्थात सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं कि सबसे पहले बनने वाली चट्टान जो है, क्रम जो है वो आर्कियन क्रम है और उसी आर्कियन क्रम के से अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है जो विश्व का सबसे प्राचीन है। तो अगले इस वीडियो अगली कक्षा में अगले वीडियो में हम आपको प्रायद्वीप भारत में मिलने वाले भूभागों का अध्ययन करवाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।